सूर्य देव को मेरा नमन। आज बहुत चमका रहा है सूर्य देव, कत्ती जहर लग रहा है बच्चों। तो गाइज बहुत दिनों के बाद आज हम एक और नई वीडियो लेके आए। गाइज आज हम चलने वाले हैं हमारे फार्म टूर की ओर। चलिए तो गाइज अब हम घर पे हैं, हम चलते हैं हमारे फार्म टूर की ओर। चलिए गाइज, जो भी हमारे यहाँ पर खेत हैं वो चारों तरफ दिख रहे हैं, ये तो हमारे ही खेत। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट खेत की ओर। तो चलिए दोस्तों, हमारा खेत थोड़ी दूर है तो देखते हैं। पा रहे होंगे कि हमारा एक छोटा सा खेत है, इसमें हमने गेंदे और मिर्च की पौध की थी। तो गाइस आपने देखा कि ये हमारा छोटा सा फार्म था, अब हम चलने वाले हमारे अनार के फार्म की ओर। तो चलिए दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आ गए हमारे फार्म की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा अनार का फार्म है और इसमें अब फूल फल लगने वाले हैं। तो गाइस देखते हैं कितने क्या पौधे हैं हमारे फार्म में। तो आपको हमारे पूरे इस फार्म की कितनी सुंदर लग रही। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा जो फार्म है बहुत ही अच्छा दिख रहा होगा आपको भी। आप इसमें फूल लग रहे हैं, पर अब हम इन फूलों को अभी तोड़ देंगे और फिर नेक्स्ट जो फल फूल लगेंगे उनसे हम फल प्राप्त करने वाले हैं। तो गाइस देखिए, इधर भी हमारे काफ़ी हरे पेड़ हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे होंगे आपको। तो गाइस देखते हैं, हमने इनके नीचे जो खाली ज़मीन है उसमें मेथी की बुआई की है। तो गाइस ये भी अब देखिए उगने लगी है। तो गाइस देखिए, ये मेथी है और नीचे वाले खेत में हमने चने बोए हैं। गाइस तो हम इन अनारों को जो पानी देते हैं, हम उस मोटर की ओर, उस बोरवेल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये वो बोरवेल है जिसके द्वारा हम इन अनारों को पानी देते हैं और ये हमारा ड्रिप तंत्र सिस्टम है जिसके द्वारा हम इन अनार के पौधों को ड्रिप सिस्टम के अनुसार पानी देते हैं। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारे, हम इन देवताओं को मानते हैं, ये पानी की देवता माने जाते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको हमारे अनार का जो फार्म है उसको ड्रोन के सिस्टम से पूरा नज़रिया आपको दिखाएंगे कि ये पूरा किस प्रकार का दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको ड्रोन की सहायता से। ने देखा कि हमारा जो फार्म था वो कैसा लगा, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमें लगातार सपोर्ट करते रहिएगा। गाइस हमें हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। गाइस फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण हमारे पास कुछ संसाधन नहीं थे और अब हमने कुछ आपकी मदद से संसाधन खरीदे हैं। तो गाइस आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।